दुनिया के रक्षक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने वाला है। कोई ला नहीं सकता है। हे मालिक हम बर्बाद हो गए। क्या हम बर्बाद हो गए हैं? तुम ये क्या बोल रहे हैं? दुनिया के रक्षक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने वाला है। क्या यीशु मसीह इंसान के रूप में जन्म होने वाला है? अरे पापा वो आएगा तो मनुष्य के पापों को हटाकर उन्हें पवित्र कर देगा और इस मानव जाति को शांति भी देगा। हे शैतान का बच्चे, बकबक मत कर। इस लैपटॉप में देखकर मुझे कहो यीशु मसीह कहाँ जन्म होने वाला है? मालिक मरियम के द्वारा यीशु जन्म होने वाला यीशु के साथ उसकी मंगनी हुई है। हे शैतान का बच्चे, तू जाकर यूसुफ के दिल में मरियम के बारे में गलत विचारों को डाल दे। हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका राज का कोई अंत न होगा। वह इस दुनिया के पापों को हटाने वाला रक्षक है। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मालिक अब हम हो गए हैं। हे शैतान के बच्चे, तू कभी अच्छा खबर लेकर की ही नहीं आएगा? यीशु दूत की बातों को मानकर मरियम को अपनाया। यीशु जन्म होने वाला है, हमें नर्क में भेजकर लोगों को बचाने वाला है। हे शैतान के बच्चे, दूसरा कोई विचार दे तो बोलो। यीशु को जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला तो उसका जन्म नहीं होगा। सुपर आइडिया है, वाह वाह वाह, सुपर आइडिया है। ये शैतान का छोटे बच्चे बेतलेहम में कोई भी यीशु के जन्म होने के लिए जगह नहीं देगा। आपके जैसे इच्छा मालिक। सोहिने बाज रही हूँ, मोबाइल मारा खीन, माफ कर जो।